स्ट्रिक्स जी G531GT AL01AT एंड अगर इसकी खास स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 2.4 kg वेट i7 9th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर 9750H कैशे 12 MB 16 GB DDR4 RAM 2666 MHz एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB 512 GB SSD दो मेमोरी स्लॉट्स मिल जाएंगे एक्सपेंशन के लिए GTX 1650 4 GB डेडिकेटेड DDR5 ग्राफिक्स कार्ड 3 USB 3.1 पोर्ट्स एक HDMI एक माइक इन RJ45 1 हेडसेट एंड स्पीकर जैक एंड 150 वाट पावर अडैप्टर विद 3 सेल बैटरी। सो दोस्तों ये है 5th नंबर वाला लैपटॉप। कमियों की बात करूं तो आपको ग्राफिक्स कार्ड 1660 Ti नहीं मिलता इस प्राइस में। दूसरी चीज़, इसमें आपको वेबकैम नहीं मिलता, इस पूरी ही सीरीज में नहीं मिलता ज़्यादातर लैपटॉप्स में। तो ये कुछ कमियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज ये लैपटॉप अच्छा है एंड सिर्फ 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ एंड अगला लैपटॉप जो हमने 4th नंबर पर रखा है वो है ASUS TUF FX505GT AL007T 83919 4.3 रेडिंग आउट ऑफ 5 Amazon पे 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद 2.2 kg वेट। तो यानी इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वेट भी काफी सही है, पोर्टेबल रहेगा आपके लिए। i7 प्रोसेसर मिलेगा 9th जनरेशन 9750H कैशे 12 MB 16 GB DDR4 RAM 2666 MHz एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB 512 GB SSD दो मेमोरी स्लॉट्स GTX 1650 विद 4 GB डेडिकेटेड आपको DDR5 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा। पोर्ट्स की बात की जाए तो 3.5 mm कॉम्बो जैक आपको देखने को मिलेगा, एक टाइप ए USB 2.0, दो टाइप ए USB 3.2 जनरेशन 1 RJ45 एंड आपको HDMI स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा एंड 48 वाट आर की आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा लैपटॉप है, आप चेकआउट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली 4th नंबर पे है तो इट मींस जो आने वाले 3 लैपटॉप हैं वो इससे अच्छे हैं। तो आप चॉइस जो है वो आपको करनी है, आपको मैं डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे, बट चॉइस जो है, डिसीजन जो है वो आपने लेना है। चलते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, हम बात करते हैं 3rd नंबर पे आने वाले लैपटॉप की। तो दोस्तों जो हमने लैपटॉप 3rd नंबर पे रखा है वो एसर की तरफ से आता है एंड एसर प्रेडेटर ट्राइटन 300 लैपटॉप है। आप मॉडल नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो, 89,990 प्राइस है, 556 रेटिंग्स एंड 97 रिव्यूज के बेसिस पे 4.7 इसकी रेटिंग है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलेगी, 2.4 kg वेट, इंटेल i5 9th जनरेशन 9300H कैशे 8 MB प्रोसेसर आपको मिलेगा, 16 GB DDR4 2666 MHz 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, 1 TB हार्ड डिस्क मिलेगी 7200 RPM 256 GB की SSD दो मेमोरी स्लॉट्स जो एक्सपैंड आपको करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ है इस लैपटॉप में जिसकी वजह से ये 3rd नंबर पे है वो है NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB के डेडिकेटेड DDR5 ग्राफिक्स। दिस इज वन थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी इस लैपटॉप में। बाकी आप पोर्ट्स देख सकते हो, सारे ही हैं, एक USB 3.1 टाइप सी, 3 USB 3.1 HDMI RJ45 डिस्प्ले पोर्ट माइक इन एंड 180 वाट की AC पावर अडैप्टर, 4 सेल बैटरी, अप टू 6 आवर्स का बैटरी बैकअप। सो दोस्तों ये लैपटॉप काफी अच्छा है, प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, 89,990 है। तो प्राइस के हिसाब से ऑल दो आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रोसेसर जो है वो इतना सही नहीं है, बट प्रोसेसर बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से परफॉर्मेंस दे देगा अलॉन्ग विद GPU, तो कंसीडर करने के लायक है लैपटॉप। अब बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। दूसरे नंबर पे आने वाला लैपटॉप काफी इंटरेस्टिंग है एंड वो भी एसर की तरफ से है एंड द लैपटॉप इज एसर नाइटो 7 AN715518990। ऑल्दो इसकी रेटिंग 3.6 out of 5, बट मुझे ये लैपटॉप काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हो 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2.5 kg का वेट है एंड सबसे बढ़िया बात i7 यानी इंटेल i7 9750H प्रोसेसर विद कैशे 12 MB 8 GB की आपको DDR4 RAM मिलेगी 2666 MHz एंड आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, 1 TB SSD मिलती है विच इज़ वेरी गुड, दो मेमोरी स्लॉट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात अगेन GTX 1660 Ti विद 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स, तो ये एक बढ़िया बात है। एक आपको HDMI 2.0 पोर्ट मिलेगा, एक USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, दो USB 3.1 पोर्ट्स मिलेंगे, एक USB 2.0 मिलेगा, एक हेडसेट और स्पीकर जैक आपको देखने को मिलेगा, 4 सेल बैटरी मिलेगी, अप टू 7 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप क्लेम किया जाता है यहाँ पे। तो ये आपने देखा स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफी बढ़िया लैपटॉप है एंड आपको सिर्फ 88990 का मिलता है। तो उस प्राइस में आपको ग्राफिक्स कार्ड भी बढ़िया मिल रहा है 1660 Ti 6 GB एंड आपको प्रोसेसर भी i7 9th जनरेशन मिल रहा है, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहने वाली है। देखो अब जो नंबर 1 में लैपटॉप है उसकी और इसकी स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा फर्क नहीं है,
वो नंबर वन पे इसीलिए है क्योंकि उसका प्राइस इसके मुकाबले कम है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो लैपटॉप है इसकी बिल्ड थोड़ी अच्छी है एंड उसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़े से इश्यूज मिल सकते हैं, इश्यूज नहीं बट उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी नीचे है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप है एंड वो लैपटॉप है एसर नाइट्रो 5 एंड AN515474JY84990 4.5 रेटिंग है बेस्ड ऑन 18 रेटिंग्स एंड 4 रिव्यूज एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस जो मिलती है 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस डिस्प्ले मिलेगी 144 हर्ट्ज़ के साथ, 2.3 केजी वेट है, इंटेल i7 9th generation 9750, कैशे 12 MB, 8GB DDR4 रैम, 2666 MHz एक्सपेंडेबल, 32GB तक कर सकते हो, 2TB आपको हार्ड डिस्क मिलेगी 5400 RPM और 256GB की SSD मिलेगी, 2 मेमोरी स्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, NVIDIA GTX 1660 Ti विद 6GB डेडिकेटेड DDR5 ग्राफिक्स। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें कि आपको 1660 Ti के ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं। तो इसीलिए जो टॉप 3 लैपटॉप्स हैं वो बहुत बढ़िया कंसीडर करने वाले हैं। तो आपको USB पोर्ट्स में भी यहाँ कोई कमी नहीं मिलती, आपको पता ही है नाइट्रो 5 में आपको सारे मिलते हैं। लास्ट में अगर बात की जाए 135W AC पावर अडैप्टर, 4 सेल, अप टू 11 आवर्स का बैटरी बैकअप, एंड वी ऑल नो कि Acer नाइट्रो 5 जो है वो गेमिंग सीरीज में बैटरी के लिए काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं एंड आपने मेरी डिफरेंट वीडियोज में भी देखा है, मैंने इस पर बात करी है। तो ये थे 5 लैपटॉप्स जो मैं आपको अंडर 90,000 रिकमेंड करता हूँ। डिसीजन आपका रहना चाहिए, सोच आपकी है, आपने देखना है कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा लगा। लोगों के पास ज़्यादातर चैलेंज यही आएगा कि Acer नाइट्रो 5 पे 90,000 खर्चना सही है कि नहीं है। देखो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो सही है, बाकी बिल्ड क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो वो आप पे है। तो बाकी इस वीडियो में आज के लिए तो बस इतना ही, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखते रहिए हमारे चैनल को एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।